जिला गुरदासपुर के गांव मानेपुर के गुरविंदर सिंह 127 बटालियन बीएसएफ का जवान जो अभी जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात था, उसकी ड्यूटी के वक्त मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि जवान गुरविंदर सिंह का पैर फिसलने के कारण एक 1300 फीट नाले में गिरने के कारण उसकी मौत हो गई है। वहीं सारा परिवार गहरे सदमे में है। गुरदासपुर के गांव मानेपुर में माहौल गमगीन है और पूरा इलाका गर्मी में डूबा हुआ है। कारण है कि इस गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान की मृत्यु का संदेश परिवार को मिला। वहीं जवान गुरविंदर सिंह के पिता और पारिवारिक मेंबरों ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, एक आर्मी में है और एक बीएसएफ में ड्यूटी पर तैनात था, और उनको आज दोपहर को बीएसएफ बटालियन से फोन आया कि उनका बेटा गुरविंदर सिंह, जो कि बीएसएफ 127 बटालियन में तैनात था, वो गंभीर रूप में जख्मी हो गया है, उसको काफी चोटें लगी हैं। वहीं कुछ समय बाद फिर फोन आया कि उनका बेटा शहीद हो गया है। वहीं पूरा परिवार गहरे सदमे में है और परिवार ने बताया कि गुरविंदर सिंह कुछ महीने पहले ही गाँव से छुट्टी खत्म होने पर वापिस ड्यूटी पर गया था, और वहीं 26 साल के जवान गुरविंदर सिंह की अभी शादी भी नहीं हुई थी। और वहीं परिवार वालों का कहना है कि चाहे बेटे की कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन इस बात पर गर्व है कि उनका बेटा देश की सेवा में अपनी जान निशावर कर गया। भर्ती कराए काजल कराए इसे करके कराए देरी रक्षा करने के साफ रीजना पर करने के अपनी नौकरी सानू फोन आया जी उस 3:30 आया जी 2:30 मेरे मानेपुर तो ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੰਛ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜੂਨ 'ਚ ਗਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ 2:30 ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ 2:30 ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆ ਇੱਕ BSF 'ਚ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਾਣ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਕੇ ਲੀਏ।